नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक बड़े अधिकारी की फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है। डीएसपी साहब इतना फंस गए हैं कि अब उन पर विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। दरअसल ये मामला 2017 से जुड़ा है और 2017 के इस मामले में तत्कालीन डीएसपी पर यह आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम किया। गलत रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद अब विभाग ने संज्ञान लिया है और तत्कालीन डीएसपी शिबली नोमानी इस मामले में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला क्या था और किस प्रकार 2017 में यह मामला जब सामने आया तो कैसे कार्रवाई हुई और अभी फिलहाल इनकी पोस्टिंग कहाँ है, वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि विभाग ने इनसे क्या कुछ पूछा है और विभाग को इनको क्या कुछ स्पष्टीकरण देना है। देखिए, यदि मामला समझाएं तो गलत तरीके से केस का अनुसंधान कर निर्दोष लोगों को जेल भेजने के मामले में पटना के तत्कालीन डीएसपी शिबली नोमानी दोषी पाए गए हैं। गृह विभाग ने डीएसपी पर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश जारी कर दिया है। विभाग की तरफ से एक पत्र जारी कर कहा गया है, इस पत्र के अनुसार 10 दिनों में डीएसपी को सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य जांच आयुक्त को जवाब देना होगा, उपस्थित होना होगा। दरअसल फिलहाल की अगर हम बात करें तो शिबली नोमानी फिलहाल बिहार शरीफ के अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। शिबली पर 3 मामलों में गड़बड़ी का आरोप है, 2 मामला बुद्धा कॉलोनी थाने का और 1 मामला कोतवाली थाने से जुड़ा हुआ है। इन मामलों में पटना में डीएसपी रहते अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी इन पर लगा है। डीएसपी ने गलत तरीके से अनुसंधान किया था और इन मामलों में पर्याप्त सबूत नहीं रहने के बावजूद भी केस को सही साबित कर दिया था, जिसके चलते 4 लोगों को सजा हुई थी और उनको जेल जाना पड़ा था। इस मामले में गृह विभाग से लिखित शिकायत की गई थी। यह शिकायत जेल गए मुकेश राय के परिजनों ने की थी, जिसके बाद गृह विभाग ने मामले की जांच अपने स्तर से कराई। इसमें डीएसपी दोषी पाए गए और अब डीएसपी पर विभागीय कार्रवाई चलेगा। 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के सामने उनको उपस्थित होना होगा और जवाब देना होगा, बताना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, अपने पद का गलत इस्तेमाल क्यों किया। देखिए, बिहार में ये कोई नई बात नहीं है, अपराध हो रहे हैं, गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, पुलिस अपना काम सही तरीके से कर भी रही है। हम तमाम पुलिस अधिकारियों को इसके इस कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं जो अच्छे तरीके से अपना काम और कर भी रहे हैं, अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में पटना के तत्कालीन डीएसपी शिबली नोमानी पर बड़ा आरोप लगा है और 2017 के इस मामले में अब उन्हें विभागीय जांच अधिकारी के सामने 10 दिनों के अंदर प्रस्तुत होकर अपना जवाब देना होगा, बताना होगा, सफाई देनी होगी और यदि सफाई से संतुष्ट विभाग नहीं होता है तो इन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। फिलहाल ये जो है बिहार शरीफ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है नालंदा में। शिबली पर एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 3 मामलों में गड़बड़ी करने का आरोप है, 2 मामला बुद्धा कॉलोनी थाने का और 1 मामला कोतवाली थाने से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब आगे इन पुलिस पदाधिकारी पर क्या होगा, आगे इस डीएसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा विभाग, यह भी इंतजार का विषय है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में जब ये डीएसपी के पद पर तैनात थे तब इन्होंने 4 लोगों को गलत तरीके से रिपोर्ट बनाकर जेल भेजने का काम किया था और इसी को लेकर जब शिकायत की गई विभाग में तो इस शिकायत की गड़बड़ी की जांच की जाने लगी और जब जांच सत्यापित हुआ तो इस मामले में उन्हें शोकॉज कर दिया गया है, उन्हें बुलाया गया है, विभाग की तरफ से पत्र निर्गत किया गया है और कहा गया है कि आपको 10 दिन के भीतर ही जांच अधिकारी के सामने अब प्रस्तुत होना होगा, पेश होना होगा। तो ऐसे मामले अब डीएसपी साहब की मुश्किल बढ़ रही है। तत्कालीन डीएसपी जब थे शिबली नोमानी उस समय जो काम उन्होंने किया है उसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।